शायद मुझे लगता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ली इसीलिए दलित एससी एसटी ओबीसी को लेती है कि ताकि प्रताड़ना देने में उनको आनंद महसूस हो। ये तो ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी है, इसलिए मेरा एक आपके मीडिया के द्वारा आज एक संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ केवल ब्राह्मणों को ही नौकरी दी जाए, एससी एसटी ओबीसी को ना रखा जाए। जय भीम जय संविधान। दोस्तों आप देख रहे हैं द मूक नायक, मैं हूँ आपके साथ बबीता। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये एक दलित प्रोफेसर हैं जो अपने आप पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। बीएचयू पत्रकारिता विभाग में कार्यरत दलित शिक्षिका डॉक्टर शोभना नर्लिकर ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शोभना ने सेवा शर्तों की अनदेखी करने का आरोप प्रशासन पर लगाया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनको विभागाध्यक्ष बनने से रोक रहा है। शोभना का कहना है कि साल 2013 से लगातार विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अफसर और विभाग के प्रोफेसर दलित होने के नाते उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके साथ ही नियमित काम करने के बावजूद उन्हें कार्यालय में लीव विदाउट पे दिखाकर उनकी सीनियरिटी को प्रभावित किया जा रहा है। डॉक्टर शोभना ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से लेकर कई अफसरों को इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैं डॉक्टर शोभना नार्लिकर हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में पिछले 19 साल से कार्यरत हूँ। ये कोई नया नहीं है दलितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई नई बात नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है न्यू ही ऐसी रखी गई है कि यहाँ दलितों का उत्पीड़न ही किया जाए। शायद मुझे लगता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ली इसीलिए दलित एससी एसटी ओबीसी को लेती है कि ताकि प्रताड़ना देने में उनको आनंद महसूस हो। ये तो ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी है, इसलिए मेरा एक आपके मीडिया के द्वारा आज एक संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ केवल ब्राह्मणों को ही नौकरी दी जाए, एससी एसटी ओबीसी को ना रखा जाए। उनके लिए जो है अगर मालवीय जीवित होते तो मैं मांग करती हूँ उनसे कि सर आपके पास जो है बहुत जातिवाद है, लेकिन आपके जातिवाद के कारण जो है हर आदमी जो है ठूस ठूस के जातिवाद से भरा है, इसलिए जो है एससी एसटी ओबीसी को केवल प्रताड़ित करने के लिए शायद यहाँ लिया जाता है ताकि एक दो दलित आए और वो उनको रात दिन प्रताड़ित करे ताकि उनको बड़ा संतुष्टि मिलती है। दूसरी चीज़ ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है डोमिनेट कल्चर है, महिलाओं को जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सदा डोमिनेट किया गया है। मैं 19 साल से देख रही हूँ किसी भी विभाग में महिलाओं को विभागाध्यक्ष बनना किसी भी पुरुषों को पसंद नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, इतिहास विभाग में जो है वंदना परांजपे जो है वो दावेदार थी हेड की, उसको बार बार जो है बिचारी को जो है केवल महिला होने के कारण उसको हेड ने बनने दिया। मैंने ये मेरे एक अकेली की महिला की कहानी नहीं है, पूरी मानसिकता यहाँ पर जो है पुरुष प्रधान है। कई बार केंद्रीय कार्यालय का चक्कर लगाने पत्र देने के बाद भी ना तो कुलपति ने सुना और ना ही कुल सचिव की ओर से कोई कार्रवाई की गई। डॉक्टर शोभना ने पहले केंद्रीय कार्यालय के अंदर धरना दिया, बाद में चैनल गेट के बाहर आकर धरने पर बैठ गई। उधर सूचना पाकर मौके पहुंचकर चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी ने भी बातचीत की, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दलितों के साथ उत्पीड़न का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आते रहे हैं जहां प्रोफेसर से लेकर छात्रों तक को उनकी जाति को लेकर नीचे दिखाया गया है। आप देख रहे हैं द मूक नायक।